दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सात ऐसे बिजनेस एप्स जो आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं मार्केट में, और 2022 में ये एप्स हर एक बिजनेसमैन के फोन में होना जरूरी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक ऐप के बारे में आगे मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए। तो आगे जो मैं सारे आपको बिजनेस एप्स बताने वाला हूं, ये जो है ये रैंकिंग के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, सबकी जो फंक्शनैलिटीज है वो अलग है, सब अलग अलग रोल प्ले करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए जिससे कि आपसे कोई भी ऐप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है जो हर एक बिजनेसमैन के फोन में होना जरूरी है वो मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला ऐप है हमारी लिस्ट में वो है गूगल मैप बिजनेस ऐप। दोस्तों आजकल किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या फिर कोई भी सर्विस चाहिए वो सीधा गूगल पे जाता है, टाइप करता है वो सर्विस और प्रोडक्ट का नेम, और उसके बाद ढेर सारी कंपनीज लिस्टेड आ जाती है, और उसके बाद वो रिव्यूज देखकर जो उसे सर्विस चाहिए जो उसे प्रोडक्ट चाहिए वो सिलेक्ट करता है। तो अगर आपका बिजनेस गूगल मैप बिजनेस पे या फिर गूगल पर रजिस्टर नहीं है तो आप मार्केट से बहुत पीछे चल रहे हो। तो गूगल मैप बिजनेस ऐप से आप आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर कर सकते हो, लोकेशन सेट कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की फोटोज आप उस पर डाल सकते हो, और आपकी कंपनी का नेम, लोकेशन, एड्रेस सब कुछ गूगल पर रजिस्टर कर सकते हो। और गूगल मैप बिजनेस ऐप में ये सब हो जाता है इंटीग्रेट। जैसे ही आप सब टाइप कर दोगे तो अपने आप कुछ दिनों में आपके पास पिन कोड आएगा गूगल से, आपको सिर्फ वो पिन कोड आपके ऐप में रजिस्टर करना है और आपका जो बिजनेस है वो गूगल पर दिखने लग जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, और कस्टमर भी आपके बिजनेस पर रिव्यूज डालेंगे जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो और ऊपर आएगा गूगल पर और ज्यादा से ज्यादा लोग आप तक पहुंच सकते हैं। और गूगल माई बिजनेस में रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको ही पता है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज सर्च करते हो तो पहले आप रिव्यूज देखते हो कि किसके अच्छे रिव्यूज है, किसके ज्यादा रिव्यूज है, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को लेते हो या फिर सर्विसेज को लेते हो। तो इसका इंपॉर्टेंट आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, तो गूगल माई बिजनेस ऐप आपके फोन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गूगल मैप बिजनेस पर अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर करते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर भर भर के मिल जाएंगे। कोई भी एक वीडियो देख लो और आराम से, बहुत इजी है, आपको एक भी रुपए नहीं लगेगा गूगल पर रजिस्टर करने को। सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, जो भी है फोटोज वगैरह डालने हैं, आपका कंपनी का नाम लिखना है और बस रजिस्टर, बहुत सिंपल है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म होने के बाद गूगल मैप बिजनेस डाउनलोड कीजिए और आपके पहले बिजनेस को रजिस्टर कीजिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऐप हमारा वो है ग्रोसिफाई ऐप। अभी ग्रोसिफाई ऐप काम क्या करता है, अगर आपको आपके बिजनेस के लिए कोई एंड्रॉइड ऐप या फिर iOS बनवाना है तो ये ग्रोसिफाई कंपनी आपको व्हाइट लेबल पर ऐप बना के देती है। अब व्हाइट लेबल क्या होता है, मतलब पूरा ब्रांडिंग आपका रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा, नाम, कंपनी, लोगो, प्रोडक्ट सब आपका रहेगा, बट ग्रोसिफाई आपको बना के देगी। उसमें कुछ भी लिखा नहीं रहेगा कि मेड बाय ग्रोसिफाई, ग्रोसिफाई का कुछ भी ब्रांडिंग नहीं रहेगा, मतलब सबको ऐसा ही लगेगा कि यार आपका ऐप है, ठीक है। तो ये लोग आपको बना के दे देंगे। इसकी जो नॉमिनल फीस होती है वो 2500 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके आपको आपके बिजनेस का ऐप मिल जाएगा। तो इनके जो लाइफ टाइम के पैकेजेस है मिनिमम 15000 रुपए से शुरू हो जाते हैं जिसमें अलग अलग फीचर्स आपको मिल जाते हैं। मतलब इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना हाई फीचर वाले ऐप्स ये कैसे बना के दे देते, मतलब बाहर 1.5-1.5 लाख रुपए मिलते हैं और यहाँ पर आपका बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपका ऐप भी बन जाता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। और जैसे पहले कैसे होता था कि यार आपको टीम भी रखनी पड़ती थी उस ऐप को मैनेज करने के लिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ग्रोसिफाई वाले सब कुछ आपका करके देंगे। और इसमें ऐप बनवाने का जो प्रोसेस है वो इतना ईजी है ना, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। पहली स्टेप है साइनअप। साइनअप होने के बाद आपको आपका रजिस्टर करना है बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस का नाम वगैरह उसमें सब कुछ लिखना है, ठीक है। और आपको जो प्लान चूज करना है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आपको जो प्लान सुटेबल है जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी उसमें से आप चूज कर सकते हो। और आपके जो लोगोज है अपलोड और जो भी आइटम्स है जो आपके बिजनेस में प्रोडक्ट्स जो भी रहेंगे वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है पे, आपको पेमेंट कर देना है सारा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। कितना ईजी है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब आपका डायरेक्टली ऐप बन गया, ठीक है। जो थीम चाहिए जो भी चाहिए सब कुछ आपका हो जाएगा और आपका जो ऐप है आपको 24 आवर्स में डिलीवर कर दिया जाएगा। और सेवेंथ है रेडी टू लॉन्च, मतलब आप हर सोशल मीडिया में लॉन्च कर सकते हो, भाई मेरे कंपनी का ऐप है, मेरे बिजनेस का ऐप है, और प्ले स्टोर पे भी लॉन्च कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट है उस पे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो जैसे आप चाहो, मतलब आप शो ऑफ कर सकते हो कि भाई मेरे बिजनेस का ऐप है। और जैसे आपका ऐप बन जाता है तो आपको कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, आपको दो टाइप के मोड्स मिल जाएंगे, एक सिंगल वेंडर मोड और एक मल्टी वेंडर मोड। आपको उसी में शिपरॉकेट के साथ इनका टाइप भी है, तो जिसमें आप आपके हाइपर लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिलीवरीज आसानी से मैनेज कर सकते हो। और अगर आपके कस्टमर्स को
आपके प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करना है तो ये इसमें आपको पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करके दे देते हैं। मतलब जैसे गूगल पे से लेना है आपको पेमेंट, पेटीएम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी पेमेंट मोड अलग अलग है वो आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। और तो और ये ग्रोसिफाई वाले आपको POS सिस्टम भी इंटीग्रेट करके दे देते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका वेबसाइट भी दिया है, तो उधर जाके आप और अलग अलग जो फीचर है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, अलग अलग जो इनके पैकेजेस है उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों जब आप बिजनेस करते हो ना तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ, वेंडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ कॉल पर बात करनी होती है। तो आपने किस टाइम को किसको क्या कमिटमेंट दिया है, कस्टमर ने आपको क्या बोला, आपके वेंडर ने आपको क्या बोला है, तो उस सब का रिकॉर्ड नहीं रहता है। और ऊपर से कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि यार मैंने तो ये बोला था आपको, अरे आपने तो ये कमिटमेंट दे दी थी, नहीं सर आपने तो ये चीज़ बोली थी, नहीं आप ये टाइम पर डिलीवरी दोगे, तो किसी को कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, तो एज अ प्रूफ रखने के लिए आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग होने की वजह से क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हम भी हमारे बिजनेस में रहते हैं तो हमें पता नहीं यार किसी कौन सी चीज़ बोली गई है, किसी को क्या कमिटमेंट दिया है, या फिर कस्टमर ऊपर से गलत एलिगेशन लगा देता है कि नहीं आपने तो ये बोला था, नहीं ये तो बोला था। आप प्रूफ के साथ उसे बोल सकते हो, देखो भाई मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप ये सुन सकते हो, मैंने तो ये कमिटमेंट किया था, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लेना ना के बराबर हो जाएगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग ऐप एज अ बिजनेसमैन आपके फोन में बहुत जरूरी है आपके कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का ऐप की डाउनलोड लिंक दे दी है, वहां से आप कॉल रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको जो पसंद है प्ले स्टोर से वो आप डाउनलोड कर सकते हो, बट कॉल रिकॉर्डिंग ऐप यूज जरूर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट ऐप जो है वो मैनेजमेंट ऐप है। जैसे कि हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो आपको ही पता है कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है, अलग अलग आइडियाज दिमाग में आते हैं, तो उसे आपको नोट डाउन रखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा आप पेन पेपर लेके घूम नहीं सकते, तो गूगल नोट्स करके एक ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे वहां आप डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी आपके नोट्स रहेंगे कि यार आपको जो आइडियाज आते हैं वो टाइप करते जाना है। और इसमें ऐसा नहीं कि यार आपको बार बार सेव का बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है। और इसके साथ आप एक गूगल का कैलेंडर ऐप है वो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अपनी जो मीटिंग्स होती है, अलग अलग लोगों से मिलना हुआ तो वो मैं शेड्यूल कर देता हूँ। मतलब समझो एक महीने बाद किससे मिलना है, एक महीने बाद किसको ये बताना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ वो टाइम पे सब कुछ नोट करके रख देता हूँ, और गूगल ऑटोमेटिकली मुझे नोटिफिकेशन पे या फिर रिमाइंडर दे देता है कि यार आपको इससे मिलना है आज, आपको ये चीज़ करनी है, आपको वो चीज़ करनी है। तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए बिजनेस करना, और हर चीज़ आपको याद रखनी नहीं पड़ती है। तो गूगल नोट्स और गूगल कैलेंडर ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए अपने जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैनेज करने के लिए, और जो भी आपको आइडियाज आते हैं वो नोट डाउन करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट ऐप है हमारा, वो है बीज एनालाइज बाय खाता बुक ऐप। ये जो ऐप है उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर। बट कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर चले गए, ट्रैवल पे हो, आपके ऑफिस से दूसरे लोकेशन पे हो, बट आपको आपका बिजनेस मैनेज करना है, आपके बिजनेस का डेटा देखना है, तो वो आप कैसे देखोगे? अब आप बोलोगे कि यार लैपटॉप होता है, लैपटॉप में हम लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज करके हम पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। बट लैपटॉप पर भी कभी कभी डेटा देखना अनकंफर्टेबल हो जाता है, समझो कहीं बस में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपको ऑन द गो आपका पूरा बिजनेस मैनेज करना है तो बीज एनालाइज का जो ऐप है ना वो आप यूज कीजिए। उससे क्या होगा, बीज एनालाइज ऐप में जो भी आपका टैली का डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है। एक बार आपने रजिस्टर किया, आपका टैली सॉफ्टवेयर लिंक कर दिया, तो आप सारा डेटा जो भी आपका पीसी लैपटॉप में है टैली का, वो सारा आप फोन में ही देख सकते हो, वो भी रियल टाइम में। मतलब जो चीज वहां अपडेट हो रही है दूसरे सेकंड में आपको सारा डेटा फोन में दिख जाएगा। तो आप दुनिया के कोई भी कोने में हो तो आप टैली का डेटा एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, सारा आपका बिजनेस मैनेज कर सकते हो, वो भी बीज एनालाइज ऐप में से। आपका टैली का डेटा सिंक तो हो ही जाता है, बट उसी के साथ आप फोन से ही जितने भी आपके वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको आप पेमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हो कि भाई मेरा पेमेंट बाकी कब दे रहे हो, और किसका कितना पेमेंट बाकी है वो भी आप देख सकते हो, वो भी उसका पेमेंट रिमाइंडर आप सेंड कर सकते हो। और इनकेस आपको फ्यूचर का पेमेंट रिमाइंडर किसी को सेंड करना है, मतलब कि एक महीने बाद यार इसको रिमाइंडर चला जाए, दूसरे महीने यार किसी वेंडर को रिमाइंडर चला जाए उसके पेमेंट के लिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। और ऑटोमेटिकली बीज एनालाइज्ड ऐप आपके वेंडर्स और कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर भेज देगा SMS के थ्रू और मेल के थ्रू। और तो और अगर आपको कोई डेटा की एंट्री डालनी है, जैसे कि सेल्स ऑर्डर, सेल इनवॉइस, पेमेंट रिसिप्ट की कोई भी डेटा आपको एंट्री करना है, तो भी आप वो फोन से एंटर कर सकते हो, और बाद में वो ऑटोमेटिकली आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है जो आपका PCR लैपटॉप में है ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाएगा। और ये बीज एनालिस्ट ऐप आपके जो टैली का डेटा है उसे सब कुछ देखकर आपको एक अलग फॉर्म का डेटा दे देगा, जिसे आप स्टडी कर सकते हो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कितना माल गया है, कितना आया है, कितना बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है। बीज एनालिस्ट ऐप है, उसका जो डाउनलोड लिंक है मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और 7 days का फ्री ट्रायल है, तो पहले आप देख लो आपको कितना ये कंफर्टेबल लगता है, और उसके बाद उनके जो प्रीमियम वर्जन है वो ले सकते हो, और टेली यूजर्स के लिए ये लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन होने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट ऐप जो हर एक बिजनेस ओनर के फोन में होना चाहिए वो है
एक बिल बनाने का ऐप। अब बिल बनाने का जो ऐप है ना, वो प्ले स्टोर पे भर भर के मिल जाएंगे, बट जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो एक इनवॉइस जनरेटर करके छोटा सा ऐप है। उसमें मैं बेसिकली मेरी जो कंपनी की डिटेल्स है मैंने पहले से डाल के रखी हुई है, और जो भी कंपनी को मुझे बिल भेजना होता है तो उनसे मैं डिटेल ले लेता हूँ, उनका GST नंबर, उनका एड्रेस वगैरह, और वो मुझे मैं डाल देता हूँ। और जो भी मेरे सर्विसेज के चार्जेस है या फिर मेरे प्रोडक्ट के जो भी आपके चार्जेस रहेंगे तो वो आपको सिर्फ डालना है, और 18% 12% जो भी आपका GST लगता है वो डालना है। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपको एक इनवॉइस बना के दे देता है, और वो इनवॉइस आप PDF में डाउनलोड करके या फिर वहीं से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो आपके कस्टमर्स को। तो दोस्तों, जितने भी ऐप हम लोगों ने देखे सबकी डाउनलोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां पर जाके जो भी ऐप्स है वो डाउनलोड करके आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।